हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गवर्नमेंट की एक और नई स्कीम जिसका नाम नमस्ते योजना या फिर नमस्ते स्कीम है, इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये स्कीम क्या है और किन लोगों के लिए लेकर ये लाई गई है, तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हाल ही में हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने नमस्ते योजना का अनुमोदन करने के लिए 360 करोड़ रुपये की लागत के साथ 2022-23 से 2025-26 तक का ये जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, नमस्ते जो योजना लाई गई है वो इस ईयर यानी कि 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए लाई गई है और इसके लिए गवर्नमेंट ने 360 करोड़ रुपए की लागत का अनुमोदन किया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो योजना है इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके अलावा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। यानी कि दो मिनिस्ट्री ऐसी हैं जिन्होंने मिलकर इस योजना को शुरू किया है या फिर इस योजना को लॉन्च किया है। तो वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं, उनके नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो पहली है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और दूसरी है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये दो मिनिस्ट्रियों ने मिलकर ये जो पहल है या फिर ये जो स्कीम है जिसका नाम नमस्ते है इसे लॉन्च किया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्या है और किन लोगों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो नमस्ते जो योजना है इसका जो पूरा नाम है वो है मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना, यानी कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यानी कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं, आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा जो भी सीवेज के काम किए जाते हैं, यानी कि अगर कहीं पर भी जो सीवेज लाइन है या फिर जो हम लोग कह सकते हैं जहाँ से भी स्वच्छता की व्यवस्था की गई है, तो उनको साफ़ सफाई करने के लिए लोग जो हैं वो उनमें बिना किसी मशीन की सहायता से ऐसे ही उनके अंदर यानी कि जो गटर होते हैं उनके अंदर उतर जाते हैं और फिर वो उनकी साफ़ सफाई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो एक पर्सन है वो गटर के अंदर जाकर उसकी सफाई करता है। तो ऐसा आप लोगों ने अपने आसपास भी ज़रूर देखा होगा। तो इससे काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो आती है। तो इस मृत्यु दर को रोकने के लिए और ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही गवर्नमेंट जो है वो ये जो स्कीम है वो लेकर आई है। यानी कि ये जो स्कीम है वो किन लोगों को फोकस करके लाई गई है, तो ये वो लोग हैं जो इस तरीके के जो भी सीवेज व्यवस्था रहती है या फिर जो गटर रहते हैं उनकी सफाई करते हैं और उनमें उनकी जान चली जाती है, तो उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये जो योजना है वो लाई गई है। जैसे मैंने आप लोगों को स्माइल 75 स्कीम अभी कुछ दिन पहले कराई थी, अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो वो ऐसे लोगों के लिए थी जो सड़क पर भीख मांगते हैं या फिर जिनका रहने का कोई आवास नहीं है, तो वो उनकी सहायता के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई थी और ये वाली जो स्कीम है वो इन लोगों के लिए लेकर लाई गई है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि ये जो स्कीम है वो शहरी भारत में, यानी कि ज्यादातर ये जो चीजें हैं वो हमें शहरों में यानी कि जो अर्बन सिटीज हैं उनमें देखने को मिलती है। गांव में जनरली हमें इस तरीके की सीवेज व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, वहां पर जनरली हमें नालियां देखने को मिलती हैं, तो उनमें हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इसीलिए ये जो है वो ज़्यादातर शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण करते हुए उनकी सुरक्षा और गरिमा की परिकल्पना करती है। यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं यानी कि जिन्हें स्वच्छता कर्मचारी कहा जा रहा है, उनके लिए एक सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सके। यानी कि उनके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिससे वो अच्छे तरीके से अपना ये काम कर पाए और अपनी जान जोखिम में उन्हें ना डालना पड़े। इसके अलावा उनकी सुरक्षा और गरिमा की भी ये जो योजना है वो परिकल्पना करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यह जो है व्यावसायिक सुरक्षा में बढ़ोतरी तथा सुरक्षा उपकरणों और मशीनों तक बेहतर पहुँच पर केंद्रित है। यानी कि इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उपकरणों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि जनरली देखा होगा इसमें जो लोग हैं यानी कि गटर के अंदर लोग खुद ही बिना किसी भी मशीन की सहायता से उतर जाते हैं और फिर वो ही अंदर जाकर सफाई करते हैं। ये देखने में या फिर हम लोग कहीं, आप लोग खुद इसे इमेजिन कर सकते हैं कि उन लोगों के लिए ये कितना टफ काम होता होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए ये कहना चाहती है कि हमें मशीनों पर फोकस करना चाहिए, उपकरणों पर फोकस करना चाहिए और इस तरीके से होने वाली जो जान हानि है, जो लोगों की मृत्यु होती है, उसको बचाए जाने पर फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा
अलावा अब हम लोग थोड़े से इसके उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु, यानी कि जब साफ सफाई करते टाइम लोगों की जो मृत्यु होती है उसमें कमी लाई जाए या फिर उसको पूरे तरीके से ख़त्म ही कर दिया जाए, तो ये इसका पहला उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य क्या है कि किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए काफ़ी, हम लोग कह सकते हैं, आप खुद ही इमेजिन करके देखिए कि ये उन लोगों को कैसा फील होता होगा। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि लोगों को उन जो भी मानव मल पदार्थ है उसके सीधे संपर्क में नहीं आया जाए, मशीनों का प्रयोग करके वो लोग स्वच्छता कार्य को आसानी से कर सकें, तो इसीलिए हमें ऐसे उपकरण, ऐसी मशीनें बनाने की ज़रूरत है। तो ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा सभी स्वच्छता कार्य जो हैं वो कुशल श्रमिकों द्वारा ही किए जाने चाहिए, यानी कि ऐसे ही किसी को उसमें नहीं उतार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जब किसी को उसके बारे में अनुभव नहीं होता है तो उनकी जान माल की हानि का जो खतरा होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें इसमें कुशल श्रमिकों को ही ये कार्य जो है वो सौंपना चाहिए, तो ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा और क्या उद्देश्य रखे गए हैं, तो स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना भी इसका उद्देश्य रखा गया है। यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए उनकी भी योजना बनाने के बारे में बात कही है, तो उसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रख सकते हैं। इसके अलावा और क्या उद्देश्य है, तो सभी सीवर ऑफ और जो सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारी हैं उनकी पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना, इसके अलावा स्वच्छता सेवा चाहने वालों में जागरूकता बढ़ाना, सभी स्तरों पर सुदृढ़ पर्यवेक्षी और निगरानी प्रणाली इत्यादि जो हैं वो इसके प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं। तो जनरली भी मैं आप लोग सिंपल से याद रख सकते हैं कि इस तरीके से जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं उनकी जान माल की हानि को बचाने के लिए, ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और इस सफाई के काम में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों और उपकरणों का प्रयोग करना जो है वो इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम लोग इसके थोड़े से महत्व के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो नई स्कीम लेकर आई है नमस्ते योजना, उसका क्या महत्व है या फिर उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला महत्व है वो ये है कि यह स्वच्छता कर्मचारियों की कमजोरियों को कम करने के लिए एक वैकल्पिक आजीविका सहायता तक पहुंच प्रदान करेगा। यानी कि हम लोग कहें कि जो लोग ये काम करते हैं वो किसी ना किसी मजबूरी में आकर ही ये काम करते हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जब आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप ऐसा काम करने के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इतने मजबूर हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो वो इसके लिए मजबूर हो जाते हैं और उन्हें ऐसा काम करना पड़ता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इनके लिए एक वैकल्पिक आजीविका की सहायता अगर उनको उपलब्ध हो सके तो वो भी एक इसका प्रमुख महत्व रखा गया है। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, यानी कि ऐसे कर्मचारी जो कि कमज़ोर हैं इस काम को करने में, तो उन्हें कुशल प्रशिक्षण दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग इसमें बढ़ाया जाए, तो उनके लिए भी एक वैकल्पिक आजीविका सहायता तक पहुंच प्रदान करने में ये सहायक हो सकता है। इसके अलावा यही उन्हें स्वरोजगार और कुशल मजदूरी के अवसरों तक पहुँच में भी सक्षम बनाएगा। इसके अलावा यह स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाने में भी सहायक होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने सोसाइटी में देखा होगा कि अगर कोई भी लोग ऐसे काम करते हैं तो जनरली जो सामान्य लोग रहते हैं वो उनसे दूरियां बनाने लगते हैं, उनके टच से या फिर उनके ज़्यादातर पास आने से भी वो लोग दूर भागते हैं, तो उनका जो व्यवहार रहता है ऐसे लोगों के प्रति उसमें भी बदलाव लाने में भी सहायक हो सकेंगे, क्योंकि जब उसमें मशीनों का प्रयोग किया जाएगा तो लोगों को उसके अंदर खुद से नहीं उतरना पड़ेगा साफ सफाई करने के लिए, तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जिससे लोगों के बदलाव में लोगों का जो व्यवहार है उसमें बदलाव लाया जा सकता है। इसके अलावा यह सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं की मांग को भी बढ़ाएगा, यानी कि अगर जब ऐसा कोई उद्देश्य होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें साफ सफाई सब जगह देखने को मिलेगी मशीनों की प्रयोग करके, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो हैं वो इस स्कीम के कुछ प्रमुख महत्व हमें देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को MPBSC का पूरा सिलेबस, MPBSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल,
है प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सीसेट और एनसीईआरटी का भी सिलेबस, इसके अलावा एमपीएसआई और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारा एग्जाम ओरिजिनल्स एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।